भोजपुरी सिनेमा जगत में गुड्डू रंगीला एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं। जी हाँ, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका असली नाम सिद्धेश्वर नंद गिरी है। बिहार के सिवान जिला के रहने वाले गुड्डू रंगीला आज से 20 से 25 साल पहले इनका एक गीत बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था। इतवार के जा झार के उसी गीत के बाद मानो इस रंगीले ने अपना नाम बदलकर गुड्डू रंगीला रख लिया। फिर तो मानो ऐसे ऐसे रंगीले गुड्डू रंगीला ने गाने गाए जो कि भोजपुरी सभ्यता और संस्कृति संस्कार सभी शर्मसार होते रहे। गुड्डू रंगीला का ये सिलसिला आज भी जारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी सबसे घटिया मानसिकता का परिचय गुड्डू रंगीला ने तब दिया जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी और गुड्डू रंगीला ने अपने एक होली गीत के एल्बम को ही लहंगा में घुसलवा कोरोना शीर्षक दे दिया। सिर्फ इसलिए कि कीवर्ड कोरोना उस समय ट्रेंड कर रहा था। इस इंसान को ये भी नहीं पता चला कि कोरोना क्या है और इसका शरीर में संक्रमण कहां से होता है। गुड्डू रंगीला की इस घटिया करतूत पर अब मुख्य मीडिया ने भी इसकी जमकर खिंचाई की है और अब गुड्डू रंगीला मुसीबतों में फंस गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगरों की एक फितरत होती है कि हमेशा सोशल मीडिया में बड़े बड़े ग्रुपों की तलाश में रहते हैं ताकि अपने घटिया गीतों के लिंक शेयर कर सकें। लिंक शेयर करते समय इन्हें इस बात का ज़रा भी परवाह नहीं होती कि जिस ग्रुप में वो अपना ये लिंक शेयर कर रहे हैं वो ग्रुप किस तरह के हैं, उसके सदस्य किस तरह के लोग हैं। उन्होंने उससे अपना घटिया लिंक शेयर करना ही चाहिए। यही गलती गुड्डू रंगीला से भी हो गई। दरअसल फिल्मी दुनिया फिल्मी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने ये भूल कर दी। वो ये भूल गए कि जिस ग्रुप में अपनी बड़ी बज्जबाजी पैच वो ये भूल गए जो कि अपनी बड़ी मानसिकता वाले गीत शेयर कर रहे हैं उससे सम्मानित लोग भी ताल्लुकात रखते हैं। उस ग्रुप में कुछ सम्मानित लोग भी हैं जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और जो भोजपुरी की खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। गुड्डू रंगीला हमेशा की तरह बिना कुछ सोचे समझे ही बड़ी बेशर्मी के साथ फिल्मी दुनिया फिल्मी ग्रुप में अपने गंदे गीत का लिंक शेयर कर देते हैं। और अब आपको बता दें कि पहले कोरोना वायरस पर गीत रिलीज कर अपनी भद पिटवाने वाले रंगीला ने इस बार सैनिटाइजर को अपनी गंदगी का हथियार बनाया। और अब आपको बता दें कि गुड्डू रंगीला दरअसल मुसीबतों में घिर गए हैं। अपने तमाम तरह के गानों को लेकर वो विवादों में फंस चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि उनके ऊपर जुर्माना के साथ साथ केस भी हो गया है। बताया जा रहा है कि अश्लीलता परोसना कानून जुर्म है। इस अपराध में उन्हें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से आर। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।